हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे अपने सिक्स क्लास की एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री है उसका हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। आइए आज उसका देखेंगे हम सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट में सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का सिक्स क्लास की, जो कि चैप्टर हमारी अतीत है और पास्ट, उसमें सेकंड जो पार्ट है वो देखते हैं। तो चैप्टर टू क्या है दोस्तों? ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, मतलब आरंभिक मानव की खोज में। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों तुषार ट्रेन जर्नी, तो तुषार की जो रेल यात्रा उसके बारे में देखते हैं। पहले तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फ्रॉम हिज कजिन वेडिंग, दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट, हिज नोज ग्लू टू द ग्लास पेन एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउस फ्लाई पास्ट, हिज अंकल टैप हिज शोल्डर एंड सेड डू यू नो दैट द ट्रेन वर फर्स्ट यूज 150 ईयर्स एगो एंड द पीपल बिगेन यूजिंग बसेज फ्यू डिकेड्स लेटर। तुषार वंडर व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेयर एवर दे वन बोर्न नॉट क्वाइट। तो दोस्तों तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, खिड़की वाली रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहाँ से वे बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे घर खेत खलियाल बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, जो बसें हैं वो उसके कुछ डिकेड बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, तो आरंभिक जो मानव थे दोस्तों आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? वी नो अबाउट पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस दोस्तों सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, ठीक है। एंड टुडे वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदर्स, और आज हम उन्हें आखेटक खाद सांघर के नाम से जानते हैं, मतलब अगर सांग मतलब हंटर गैदर्स। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड, और दोस्तों भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कैच फिश, बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, दे इमेंस वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन अ ट्रॉपिकल लैंड लाइक्स ओवर मीट, दे डेट गैदरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस वॉज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। तो आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती है, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण उनके लिए होते थे। नन ऑफ दीज थिंग्स वॉज ईजी टू डू, दे आर सेवरल एनिमल्स डेट रन फास्टर देन अस, मैनी डेट आर स्ट्रोंगर टू हंट एनिमल्स और कैच फिश एंड बर्ड्स, पीपल नीड टू बी अलर्ट क्यूक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस, यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल डेट इज कैन बी ईटन एज मैनी कैन बी पॉइजन्स, यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन वैन द फर्स्ट टिपन। तो दोस्तों क्या होता है, लेकिन ये सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क है, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे जहरीले हो सकते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। लिस्ट द स्किल एंड नॉलेज That the children of these communities had. Do you have these skills and knowledge? एक समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो, क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है? There are at least 4 reasons why hunter gatherers move from place to place. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animals resources. Therefore, they would have to head to go elsewhere in search of food. तो दोस्तों जो ये हंटर्स होते हैं, ये कई समुदायों के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है, ये कि अगर एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए वो भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों को जाना पड़ता था।
सेकेंड रीजन क्या होता है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, डेट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। दूसरा कारण ये कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। थर्ड क्या है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। तो तीसरा क्या हो सकता है, कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में दूसरे मौसम के अनुसार दूसरे इलाकों में जाते होंगे। फोर्थ रीजन क्या है दोस्तों, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, वाटर इज फाउंड इन लेक्स स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर perennials with water throughout the year, others are seasonal, people living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer, beside people may have traveled to meet their friends and relatives, remember they travel on food। तो और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों को जीवित रखना संभव नहीं होता, और पानी झीलें झरनों तथा नदियों में ही मिलता है, यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल जा पाता है, इसलिए झीलों और नदियों के किनारे बस लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ ये स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। तो दोस्तों आगे देखते हैं, हाउ डू यू कम टू स्कूल, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू यू वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू इफ यू लुक टुक अ बस और रोड अ बाईसाइकिल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है, अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज्ड इट, इट लाइकली डेट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन्स वुड एंड बोन ऑफ विच स्टोन्स टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। तो दोस्तों जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो कुछ को आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग जो हंटर्स थे वो किया करते थे। ये संभव है कि लोग अपने काम के लिए पत्थर लकड़ियां और हड्डियों के औजार बनाए होंगे, इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो दोस्तों दिखाता हूँ आपको, देखो किस टाइप के औजार है, ये आप देख रहे हो ना दोस्तों, जो ये हमारे नोकदार हथियार है। तो आइए मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। जो ये पहले नंबर पर है दोस्तों, जो ए पॉइंट में, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार है, मतलब बहुत पुराने, सबसे पुराने औजार है। और फिर जो 20 नंबर पे है, इन्हें कई हज़ार साल बाद बनाया गया था। और जो तीसरे नंबर पे है, सी नंबर पे है, तो ये क्या है दोस्तों, इन्हें और बाद में बनाया गया। और चौथे नंबर पे इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया होगा। और जो पाँचवें नंबर पे, और ये देज वर मेड ऑफ अबाउट 10,000, दीज आर द नेचुरल पीपीज, और वे प्राकृतिक पत्थर है पाँचवें नंबर पर। तो इसमें देखते हैं, जो सम ऑफ यूज स्टोन टूल्स आर गिवन बिलो, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट दिस टूल्स यूज्ड फॉर एनी ट्राई एंड डिसाइड विच ऑफ दिस टेक्स कुड बी परफॉर्म यूजिंग अ नेचुरल पीपल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बनाए गए हैं, ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं, बताओ कि इनमें से कौन कौन सा काम सामान्य और पत्थरों के लिए किया जा सकता है। दोस्तों क्यों मैं हर एक लाइन क्यों पढ़ रहा हूँ दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट तो चलो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो स्कूल में है और वो सिक्स क्लास की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, अच्छे समझना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं हर एक लाइन को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, सम ऑफ दिस स्टोन्स टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स एनिमल्स स्किन, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, सम वे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग, अदर्स टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायर वुड, वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। तो इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियां के मुट्ठे लगाकर भाले और बांस जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब देखो दोस्तों, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा इसमें, तो पत्थर के औजार, ये देखो मैं पढ़ता हूँ, स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर लेफ्ट डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट द एडेबल रूट्स एंड राइट स्टिचिंग क्लोथ मेड अप ऑफ एनिमल स्किन। तो दोस्तों पत्थर के औजारों का उपयोग कैसे होता था, जो बाएं ओर है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और जो दाएं ओर है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था, क्योंकि उसकी नोक बारीक होती थी इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं, चूजिंग अ प्लेस इन टू लिव इन, मतलब रहने की जगह निर्धारित करना है। तो
लुक एट मैप टू बिलो ऑल द प्लेस मार्क विद द रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदर्स लिव इन मैनी मोर प्लेस ओनली सम आर शोन इन द मैप मैनी साइट्स आर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। तो जो है हमारा मैप है इसमें क्या है, लाल त्रिकोण वाले स्थान में पुरस्थल है जहाँ पर हंटर्स रहते थे और दूसरे होने उनके होने के प्रमाण मिले। इसके अलावा भी कई स्थान पर हंटर्स रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही मतलब दिखाए गए हैं। तो ये देखते हैं दोस्तों एक तो है बुर्जा राव मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, बुर्जा राव जो पहले कश्मीर में है, मतलब नाम तो अलग हो गया उसका। ऐसे ही कोदीवाला, मंगड़ा, चिंदारा, डाउज हेडिंग, हुल्लू, ये जो भी नीले इसमें गए नीले टाइप में, ये नियोलिथिक साइट्स में है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वॉज इजली अवेलेबल प्लेस वेयर स्टोन्स वॉज फाउंड एंड वर पीपल मेड टू टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे और उन स्थलों का उपयोग स्थल करते थे। हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्रीज वर यूजली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन टूल्स डेट वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड दिस साइट समटाइम्स पीपल लिव हेयर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम दिस साइट्स आर कॉल्ड द हैबिटेशन कम फैक्ट्री। तो हम इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, आमतौर पर हम ऐसी जगहों के पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे, ऐसे स्थलों को आवासीय या उद्योग स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों आपसे थोड़ा टाइम चाहता हूँ। तो दोस्तों आगे देखते हैं। इफ़ यू हैड डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन विच ऑफ द टर्म्स एंड वुड यू चूज तो हैबिटेशन फैक्ट्री, हैबिटेशन कम फैक्ट्री, एनी अदर्स। तो ये दोस्तों स्कूल के बच्चों के लिए क्वेश्चन हो सकता है। अगर तुम अपने निवास स्थान के बारे में बताना चाहते हो, बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा चुनोगे, आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल अन्य। तो दोस्तों आगे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, मेकिंग स्टोन टूल्स, पाषाण औजारों का निर्माण। स्टोन टूल्स वर प्रॉबरली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑफ स्टोन हेयर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वॉज टू मेड ऑल्सो कॉल्ड द कोर वॉज हेल्ड इन वन हैंड। अनदर स्टोन विच वॉज यूज एज हमर हैमर वॉज हेल्ड इन द अदर हैंड। द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लैक्स फ्रॉम द फर्स्ट टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन। तो पहला क्या है दोस्तों, जो पत्थर के औजार बनते हैं इनके दो तरीकों से बनाया जाता था। एक तो है पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता है उसे एक हाथ से लिया जाता है और दूसरे हाथ से एक पत्थर को हथौड़ी से इस्तेमाल होता है। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर जब तक सल्फ निकाले जाते हैं जब तक उस पर कोई आकार ना जाए। तो दूसरा क्या होता है, प्रेशर फ्लेकिंग। हेयर द कोर्स वर्ज प्लेस ऑन अ फिल्म सरफेस द हैमर स्टोन वॉज यूज ऑन अ पीस ऑफ बोन और स्टोन डेट वॉज प्लेस ऑन द कोर टू रिमूव द फ्लेक्स डेट कुल बी द सेप इन टू टूल्स। तो दूसरे तरीके को दबाव सल्फ टेक्निक कहा जाता है। इसमें करोड़ को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस करोड़ पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी जुमा पत्थर से सल्फ निकाले जाते हैं जिस में जब उसमें अच्छी सी सेप आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट फायर्स, आ की खोज। फाइंड द क्रोनुल्स केव्स ऑन मैप टू पेज 14। ट्रेस एज ऑफ एस हैव बीन फाउंड हेयर दिस सजेस्टेड डेट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स एज सोर्स ऑफ लाइट टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स वॉट डू यूज फॉर फायर टूडे। तो दोस्तों मानचित्र में दो क्रोनुल गुफा ढूंढो, तो पेज नंबर 14 पर होगी। तो उसमें देखेंगे बाद में, देखो आपको दिखा देता हूँ पेज नंबर 14। अभी बहुत पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों, अच्छा आपको समझाता हूँ एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप टेंशन भी हो जाएगा। तो मानचित्र दो में क्रोनुल गुफा को ढूंढने पे यहाँ राख के अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों में के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड
12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिव वार्म कंडीशन इन मेनी एरिया द लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड दिस इज टर्न इन टू द लेड टू एन इंक्रीज एज द नंबर ऑफ डियर एंटीलोप गोट सीप एंड कैटल एनिमल्स डेट सर्वाइव ऑन द ग्रास दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलो देम लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन इट इज लाइकली डेट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हर्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स फिशिंग ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट. तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी. इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे. इससे हिरण बारासिंगा भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं. जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इसके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और रहने के समय जानकारी हासिल करने लगे. हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालन की बात सोचने लगे हो. साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी. दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेयर सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रास इंक्लूडिंग वीट बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड देयर ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे रिप्ड दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट द ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन. और इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं जो और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे. शायद महिलाएं और पुरुष बच्चों इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था. नेम एंड डेट्स चलो देख लेते हैं एक बार दोस्तों. आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी हैव स्टडिंग दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ पैरियोलिथिक. दिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पैरियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथियो मीनिंग स्टोन. द नेम पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स द पैरियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 million ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो. दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइड इन टू द लोअर मिडिल एंड अपर पैलिथिक. दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. द पीरियड वैन वी फाइंड द एनवायरमेंटल चेंज बिगिनिंग अबाउट द 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड द मेजोलिथिक मिडिल स्टोन. स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टीनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स. माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन्स वुड और मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सिकलेस एट द सेम टाइम ऑर्डर टू वैराइटीज ऑफ टूल्स एंड कंटिन्यू टू बी यूज. तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके बड़े बड़े नाम रखे आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं. ये दोनों सब पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है. ये नाम पुरस्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है. पूरा पाषाण काल 20,00,000 साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है. इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है. आरंभिक मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग. मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है. जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं. इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है. इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे. इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है. पर ये इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसियों और जैसे हजारों मिलते हैं. साथ साथ पुरान पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहते थे. लुक एट द स्टेटमेंट डू यू हैव नोटिस अ डिफरेंट. तो दोस्तों क्या होता है जो हमारा 2,00,000 से 12,000 तक का जो टाइम था वो था हमारा मेसोलिथिक. उसके बाद आता है पैलियोलिथिक. जो सबसे जो पहला टाइम होता है हमारा था पैलियोलिथिक. फिर आता है मेसोलिथिक. तो पैलियोलिथिक का टाइम जो होता है दोस्तों वो आता है हमारा 2,00,000 से 12,000 तक के. उसके बाद आता है हमारा 10,000 जो आता है हमारा मेजोलिथिक. ठीक है इसके बाद आगा फिर दोस्तों नियोलिथिक जो हमारा सबसे लास्ट में आता है. व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मींस. वी हैव आल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेस. यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मेनी मोर प्लेस इन द लेटर चैप्टर. वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लिव इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो दैट दे वर कॉल्ड. तो हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं. अलग अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे. अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल इनका नाम क्या रहा होगा. ठीक है दोस्तों आइए आगे देखते हैं. रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट द टेलर्स. मेनी ऑफ द केव्स इन विच दिस अर्ली पीपल्स लिव हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स. सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश. दिस पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल. दोस्तों इस टाइप में जो क्वेश्चन बन जाते हैं
देखो एक पेंटिंग दिखा रखी है, इसमें इस चित्र के बारे में क्या जानते हो बता सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश गुफाओं से मिले चित्र है। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से संजीव चित्रण किया गया है। हु डिड व्हाट, कौन क्या करता था। हम वी हैव सी डेट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड गैदर प्लांट प्रोड्यूस मेड स्टोन टूल्स एंड पेंटेड ऑन केव वॉल्स। इन द एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर वुमेन हंटेड और मैन मेड स्टोन टूल्स, वेदर वुमेन पेंटेड और मैन गैदर फ्रूट्स नट्स। एट प्रेजेंट वी डू रियली नो हाउ वेयर देर एट लीस्ट टू पॉसिबिलिटीज। इट इज़ लाइकली डेट बोथ मैन एंड वुमेन मे हैव डन मैनी ऑफ दिस थिंग्स टुगेदर। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डेट सम टास्क वर डन ओनली बाई वुमेन एंड अदर ओनली बाई मैन, एंड अगेन देर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है जिससे पता चलता है कि महिला शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिला चित्रकारी करती थी और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें तो हो सकती है, महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कहीं काम एक साथ किया होगा। ये भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएँ करती होगी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएँ भी रही होगी। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रिसिस इन इंडिया। ऑस्ट्रिसिस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड, मतलब 2 लाख से 12,000 तक। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिस एग सेल्स वर फाउंड इन पटने इन महाराष्ट्र। डिजाइन वर इनग्रेव ऑन सम पीसीज वाइल बीड्स वर ऑल्सो मेड ऑफ देम। तो दोस्तों भारत में पुराना पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटना पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते हैं। अ क्लोजर लुक ऑफ हुसनगी, हुसनगी का सूक्ष्म निरीक्षण। फाइंड हुसनगी में तो अ नंबर ऑफ अर्ली पैलिथिक साइट्स वर फाउंड हेयर। एट सम साइट्स आर लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज फॉर ऑल द सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज वर फाउंड। द दे वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट देयर आर एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वर मेड। सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग। मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम द लाइमस्टोन विच वॉज लोकली अवेलेबल। तो यहाँ पर पाषाण काल युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले हैं। कई प्रकार के औजार मिले हैं, ये संभव आवास या और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुराने स्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। दोस्तों एक पेंटिंग दी है, इसके बारे में क्या दिया है आपको बता देता हूँ। देखो जिसे पेंटिंग दी रही है, इस पेंटिंग में अपने जो एटलस में फ्रांस ढूंढने के कह रहे हैं, ये तो ये चित्र फ्रांस की एक गुफा की है। इस पुराना स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कोई जानवर के चित्र है। इन जंगली घोड़े, गायें, भैंस, गेंडा, रेडनियर, बारहसिंघा और जो पिग होते हैं गहरे चमकीले रंगों से चित्र बनाया जाता है। इन रंगों को लोहे, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थ से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था, फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो दोस्तों आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो भी लगभग कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम जो करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर जो है हमारा हिस्ट्री का, और ऐसे ही हम सारे चैप्टर कवर कर लेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सके। तो दोस्तों आप चाहे तो इन क्वेश्चन को एक बार देख सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, मतलब जो हमने पहले फूड इकट्ठा करते थे उसके बाद हमने उसको उगाना कैसे शुरू किया, संग्रह तो उत्पादन तक। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।